और उसके बाद खुद का न्यूज़पेपर भी चालू किया था, जिसमें 7 दिन के अंदर काफ़ी लॉस किया। उस लॉस की भरपाई करने के बाद घर वालों ने बहुत कहा कि ये वो, लेकिन एक चीज़ मेरी हमेशा रही कि मैंने जितना भी खोया या पाया है वो सिर्फ अपने ऊपर है, मतलब खुद ही कमाया है और खुद ही खोया है। ऐसा नहीं किसी को बोल सकते कि हाँ सपोर्ट थी, एक बैकेंड सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद नहीं, लोग जानना चाहते हैं जडेज मलिक सर कि क्या आप करते हैं, क्या कहाँ से शुरू किया हुआ है, क्या आपने सिर्फ अच्छा अच्छा देखा है या बुरा भी देखा है, ये लॉसेस या आपके प्रॉफिट कितना आप कमाते हैं थोड़ा बताइए। पर्सनल में आपके घर में कौन कौन है, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो शुरुआत से जानना चाहूँगा। बिल्कुल पूरे देश में है। अगर ऐसे रिसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की भी बात करें, हमारी खुद की जो फ्रेंचाइजी है, तो फिर तो बहुत बड़ी टीम एक हमारी हो जाती है। लेकिन जो मेरे खुद के अंडर मेरे अंडर काम करते हैं तो वो 11 से 15 लोग हैं, और हमारी दिल्ली और मुंबई टीम बैठती है, दिल्ली भी टीम बैठती है और मुंबई भी टीम बैठती है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरा। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, आप देख रहे हैं देवेंद्र अग्रवाल ऑफिशियल चैनल। ये वीडियो सर के साथ में एक इंटरव्यू है, आपने सर को देखा होगा कई बार उनके चैनल पे, जडेज मलिक के इनके नाम के इनके चैनल हैं, या इनके प्रमोशन के वीडियो देखे होंगे, या इनकी वेबसाइट देखी होगी, या इनको हमारे पास देखा होगा, या पता नहीं कहाँ कहाँ देखा होगा। चलो कोई बात नहीं, लोग जानना चाहते हैं जडेज मलिक सर कि क्या आप करते हैं, क्या कहाँ से शुरू किया हुआ है, क्या आपने सिर्फ अच्छा अच्छा देखा है या बुरा भी देखा है, ये लॉसेस या आपके प्रॉफिट कितना आप कमाते हैं थोड़ा बताइए। पर्सनल में आपके घर में कौन कौन है, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो शुरुआत से जानना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि आप अपने बारे में क्या शुरुआत से बताना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग तो सबसे पहले मेरे से पूछते हैं कि ये जडेज मलिक क्यों आप बोलते हैं, तो बहुत कोडवर्ड की जैसे नाम लगता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन मेरा जो रियल नाम है वो जुबेर मलिक है, जो कुछ लोगों को जिन्हें पता भी है, बाकी तो किसी को नहीं पता है। और इसका जो नाम है एक्चुअली क्या है, 2010 के आसपास बात है, और मुझे एक फेसबुक अकाउंट ओपन करना था। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के टाइम तब स्टार्टिंग थी फेसबुक की, उससे पहले चल रहा था लेकिन मेरी स्टार्टिंग थी। तो मैं बहुत सारे नाम ढूंढ रहा था कि क्या रख सकता हूँ क्या रख सकता हूँ। तो एक्चुअली हमारे में नाम लगाते हैं सहा, कि जैसे फैसल सहा या जुबेर सहा, तो इस चीज़ को देखते हुए जेड एस मैंने कर दिया था, और जेड एस मलिक हमारी जो मतलब मेरी एक आप कह सकते हैं रिलीजियसन कास्ट है, तो उसकी वजह से हम लगाते हैं। उस दिन से मैं इस नाम को जहाँ जहाँ जिस फील्ड में लेता गया, इस नाम ने मुझे बहुत तरक्की दिलाई और मुझे बहुत इस नाम पे गर्व फील होता था, तो आज तक मैं यही चलता आ रहा हूँ और आज इसे एक ब्रांड में ला के खड़ा कर दिया है। अच्छा जी, तो आप बेसिकली हैं कहाँ से, आपके घर में कौन कौन है थोड़ा बताइए। मैं एक्चुअली मेरठ यूपी से हूँ प्रॉपर, और मेरठ में मेरा घर है, फैमिली मेरी मेरठ रहती है, और मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली शिफ्ट हूँ, और दिल्ली में मैं रहता हूँ, मेरे ब्रदर रहते हैं, उनकी वाइफ रहती है मेरी भाभी जी, हम लोग साथ में रहते हैं। और जो मेरा बिजनेस शुरू हुआ था, बिजनेस तो बहुत बाद में, लेकिन जो मेरी स्टार्टिंग है वो 2012 से है, मोबाइल फील्ड की। 2012 में मैं 10th में था, और नहीं 10th में नहीं था, 10th में तो मैं 2015 में आया, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 7वीं कक्षा से मैं मोबाइल की शॉप पे जाना शुरू कर दिया था, अपना टाइम जो बचता था उस टाइम को स्पेंड करने के लिए, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं ना, तो घर में एक्चुअली क्या है, मेरे फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप के थे, तो वो खेलने वेलने की अनुमति हम लोगों को नहीं मिलती थी, तो उस चीज़ से निकलने के लिए हम लोग मैं दुकान पर जाता था मोबाइल की, वहाँ मैंने देखा कि हाँ मोबाइल रिपेयरिंग मैं सीखूँगा, अच्छा खासा काम भी थोड़ा बहुत सीख लिया था रिपेयरिंग का। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर का बड़ा क्रेज चल रहा था, तो उसके बाद मैं वो छोड़ के सॉफ्टवेयर में चला गया, और सॉफ्टवेयर में जाने के बाद धीरे 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 उसमें भी काम किया, एक अच्छा लेवल पे किया, कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना था, कुछ सीखना था बहुत लोगों को देख के। उसके बाद मैंने फिर फील्ड चेंज की और मैं मीडिया में गया, मीडिया में एज अ न्यूज़ रिपोर्टर भी मैंने काम किया है अपने लाइफ में, और उसके बाद खुद का न्यूज़पेपर भी चालू किया था, जिसमें
सात दिन के अंदर काफ़ी लॉस किया। उस लॉस की भरपाई करने के बाद घर वालों ने बहुत कहा कि ये वो, लेकिन एक चीज़ मेरी हमेशा रही कि मैंने जितना भी खोया या पाया है वो सिर्फ अपने ऊपर है, मतलब खुद ही कमाया है और खुद ही खोया है। ऐसा नहीं किसी को बोल सकते कि हाँ सपोर्ट थी, एक बैक एंड सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद फिर धीरे से मैं इस फील्ड से निकल के मैं टूल्स लाइन में घुस गया और मोबाइल टूल्स में अब आज तक भी एक अच्छे तरीके से अपनी पूरी कोशिश रहती है कि हमसे जो कस्टमर मोबाइल टूल्स ख़रीद रहे हैं या कुछ भी, उन्हें एक अच्छा और जेन्युइन टूल्स दे सकें। हमारी चाइना से भी या हर चीज़ से जहाँ से हमारा माल आता है वहाँ से ये कोशिश रहती है कि हम ओरो की तरह कचरा ना ला के भर दें, हम सिर्फ प्रीमियम टूल लेके आएँ और जिसमें एक बार लेने के बाद वो 10 बार यूज़ कर सकें। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आप किस किस टूल में डीलिंग करते हैं, क्या क्या फ्रेंचाइजी है और आपकी वेबसाइट या आपके नंबर्स को चेक कर डिटेलिंग देना चाहें तो। जी सर, हमारी वेबसाइट भी है zsteam.com और zsmaliktool.com। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे, आईफोन के ऐप स्टोर पे भी हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारा बोर्ड लाइन नंबर है 8534-4x060, 8534-00060। तो ये नंबर है और इस पर आप जैसे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है। हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट अलग है और सेलिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो आपको कभी भी कोई समस्या होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ स्टाफ प्रॉपर रिप्लाई भी करता है। ये भी कभी कभी, हालांकि देखो कुछ लोग बोलते हैं कि मैसेज नहीं आते, तो अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए आप एक ही दिन में अगर आपको सर 1,000-5,000 मैसेज आ जाएं तो उनका रिप्लाई पॉसिबल नहीं है। फिर भी टीम पूरी कोशिश करती है कि आपको हर तरीके से, आप मान लीजिए एक कस्टमर से एक स्टाफ बात कर रहा है, एक कस्टमर से एक बात कर रहा है, अगर 50 इंक्वायरी भी है, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर 50 इंक्वायरी हुई तो 50 को 50 स्टाफ चाहिए कि बात करने के लिए, एक फ़ोटो दे रहे कि, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी कुछ रिप्लाई नहीं मिल पाते, कुछ नीचे पहुँच जाते हैं चैट के हिसाब से, तो सुबह का रिप्लाई शाम तक मिल पाता है। लेकिन कोशिश अपनी पूरी रहती है कि हर तरीके से आपको रिप्लाई कर सके। और मैं ये जानना चाहता हूँ मलिक सर, सभी जानना चाहते हैं बात कि बेसिकली आपकी टीम में कौन कौन है और आप, आपकी अर्निंग के बारे में अगर मैं पूछूं तो मतलब आप पर्सनल, आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो यूट्यूब चैनल की आपकी अर्निंग अगर, और आपकी टीम में कौन कौन है? बिल्कुल सर, मेरी टीम में अभी अगर मैं अपनी पूरी टीम की बात करूं तो 11 से 15 लोग मेरी टीम के अंदर हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग वर्क है, कोई सेलिंग में है, कोई कॉल डिपार्टमेंट में है। और कहाँ कहाँ है आपकी टीम? जी जी बिल्कुल, पूरे देश में? बिल्कुल पूरे देश में है। अगर ऐसे रिसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की भी बात करें, हमारी खुद की जो फ्रेंचाइजी है, तो फिर तो बहुत बड़ी टीम एक हमारी हो जाती है। लेकिन जो मेरे खुद के अंडर, मेरे अंडर काम करते हैं तो वो 11 से 15 लोग हैं। और हमारी दिल्ली और मुंबई टीम बैठती है, दिल्ली भी टीम बैठती है और मुंबई भी टीम बैठती है, जहां हमारा दो जगह से इस पूरे बिजनेस को हैंडल किया जाता है। और रही बात अर्निंग की, तो फेसबुक या यूट्यूब से मैं कोई अर्निंग नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो डालते हैं, हम ऐड वगैरह नहीं लगाते। हालांकि चैनल मोनेटाइज है लेकिन फिर भी ऐड वगैरह नहीं लगाते। दूसरी बात जो मेरे खुद की है, तो वो क्या है कि जैसे जैसे मार्केट के काम होता है कि कभी अप है कभी डाउन है, तो वो हमारे काम में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप महीने में कितना कमा लेते होंगे? सर उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितना कमा लेते हैं, हर महीने का अलग ही होता है। कभी तो ऐसा हो रहा है कि 10,000 भी कमा लेते हैं, कभी ऐसा भी है कि 10 लाख भी कमा लेते हैं, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आपने देखा होगा, आपने एक फोटो में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सर ने एक नई कार खरीदी है, तो सर की, सर को बहुत बहुत बधाई सर के कार के लिए। सर की आपकी पहली कार है, इससे पहले भी एक कार खरीदी थी? नहीं सर, इससे पहले मेरे पास कार थी, लेकिन अब तक मैंने जितनी भी कारें खरीदी थी वो सेकेंड हैंड खरीदी थी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब चाहे वो भले ही एक कार मैंने ली थी वो 2 महीने ओल्ड थी, लेकिन वो कहीं पुरानी ही जाएगी कि 2 साल भी, 2 महीने पुरानी भी अगर ली थी। मैंने लाइफ में पहली बार अपनी खुद की न्यू गाड़ी ली है जो शोरूम से लेके आया हूँ। बिल्कुल जी। और दोस्तों ये था जेडेक मलिक सर का सफ़र, आपने तो देखा होगा एसी टेलीकॉम इंस्टीट्यूट के साथ में हमने इनमें काफ़ी काम किया हुआ है और ये हमारे साथ में ही काम करते हैं। और बहुत जल्द एक वीडियो हम दिल्ली में बनाएंगे जहाँ हम और सर एक बहुत अच्छी सुपर बाइक चलाते हुए दिखाई देंगे, हार्ले डेविसन। और बहुत जल्दी एक मैं एक हार्ले डेविसन परचेस करने वाला हूं, जो कि जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 6-10 लाख होगी कम से कम। और ये मैं नई बाइक नहीं लूँगा, ये यूज्ड बाइक लूँगा, क्योंकि उसकी अगर रियलिटी कॉस्टिंग बात करूँ तो 20 लाख की को बाइक है। तो ये मेरा एक पर्सनल है दोस्तों, मैं सच बताऊँ मैं अपने कॉलेज के टाइम पर बाइक लेना चाहता था और मेरे फादर ने मुझे पैशन प्लस दिला दी, और उस टाइम पर मेरे कॉलेज के टाइम पर 2003 की बात है, तो मैं लेना चाहता था उस टाइम पर एक बात आती एलिमिनेटर और वो आती थी 90,000 की, और मैं नहीं ले पाया, तो मैं काफ़ी मायूस था कि मुझे ना जो मन चाहे बाइक थी वो नहीं मिली। तो मैंने अपने आप को कीप क्लेम, और मैंने अपने आप को कीप क्लेम किया, और उसके बाद थोड़ा सा और काम करते गया और अब 20 साल हो गए हैं,
अब मेरा बनता है भाई बाइक लेना, बनता है कि नहीं? बिल्कुल सर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। देखिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि शौक जो होते हैं वो सिर्फ माँ बाप के पैसे पे पूरे होते हैं और अपने शौक अपने पैसे पे नहीं कर सकते, तो ये उन लोगों के लिए बात है कि अगर आप में शिद्दत और जुनून है कुछ करने की और कुछ पाने की, और जब आप पा लेते हैं तो फिर आपके लिए हर सपना छोटा हो जाता है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने मेहनत की है और आपने उसे पूरी दिल से उसे कोशिश करके पा लिया है तो फिर आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और भी मलिक सर का कुछ सवाल जब आप पूछ रहे हो तो नीचे कमेंट पे कमेंट जरूर डालिएगा, और अगर इनके सर के नंबर भी हैं आप डायरेक्ट भी इनको कॉल कर सकते हैं। और भी जिन जिन के आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं, कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर लेके आऊँ, यहाँ बैठाऊँ और यहाँ से उनके साथ में वार्तालाप करके उनके पर्सनल चीज़ों को जानूँ और आपके तक पहुँचाऊँ। थैंक यू वेरी मच, कीप साइनिंग और देखते रहिए और कीप वॉचिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू वेरी मच।